हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल अब तक की दो वीडियोस में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस सो लेट्स बिगिन so, सबसे पहले देखा जाए तो हम सारी ही रि केमिकल रिएक्शंस को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज द नेम सेज़ जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलके कोई एक नया ही प्रोडक्ट बने तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकंड होते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है इसमें इस एक सब्सटेंस ब्रेक होता है अलग-अलग प्रोडक्ट्स -अलग में नेक्स्ट होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें शॉर्ट में बोलें तो एलिमेंट्स अपनी-अपनी जगह चेंज कर लेते हैं अब डिटेल में इन चारों ही रिएक्शंस को देखते हैं सो द फर्स्ट वन वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या हुआ ए और बी ये दोनों साथ में आए और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है हमारा ए बी इसका ऑपोजिट था डी रिएक्शन इसमें हमारे पास ओरिजिनली क्या था ए बी वो डिकम्पोज हुआ यानी ब्रेक हुआ दो पार्ट में और हमें मिले ए एंड बी देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें ए बी साथ में थे और सी के साथ जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो ए बी बीच में से ब्रेक हुआ और सी इसके साथ अटैच हुआ एंड फॉर्म्ड ए सी और बी डबल डिस्प्लेसमेंट इसका ही एडवांस है इसमें दोनों ही चीज़ें ब्रेक होती हैं और अपने अपने आयंस को ये एक्सचेंज कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं दे आर ए डी एंड सी बी लेट्स विद सम एग्जांपल्स फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एम जी रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एम जी ओ आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा मैग्नीशियम रिबन के साथ उसमें क्या किया हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न कराया और नया जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर आपने देखा होगा रिएक्शन में बनते हुए दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड सो so, इसमें भी क्या हुआ दो चीजें आपस में रिएक्ट किए और हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें भी दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। ने रिएक्ट किया जब ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिला सल्फर ट्राईऑक्साइड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड मैंने सारे ही एग्जाम्पल्स इन सब रिएक्शंस में वही लिए हैं जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती हैं इक्वेशन तो इसके साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी साथ में कवर होती रहेंगी नेक्स्ट इज अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड लास्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इन मल्टीपल वेज इसको एक और नाम से बुलाते हैं बोलते हैं क्विक लाइम लेटमी बच्चे तो इनको याद करने का सिंपल तरीका है इट सेज क्विक लाइम यानी जल्दबाजी होगी तो इसमें जल्दबाजी में एच लगाना वो भूल गया कैल्शियम ऑक्साइड एच अपना भूल आया क्योंकि वो किसमें था जल्दी में था क्विक लाइम है और जब इसके पास एच होता है कहां से आया वो वॉटर की वजह से तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है अब देखते हैं के so, decomposition reaction में हमने क्या देखा था कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होता है और अलग अलग सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं अब इस ब्रेक करने का काम अलग अलग तरह से हो सकता है हम तीन एग्जाम्पल्स फटते हैं पहला अगर हम उसको हीट करें सेकेंड इज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उनको ब्रेक करें और थर्ड इज बाय यूजिंग लाइट इन तीनों को ही देखते हैं हीटिंग से अगर हम ब्रेक करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन नाम डिकॉम्पोजिशन था अगर हीट हमने यूज किया तो क्या बन जाएगा ये थर्मल डी इसका एग्जाम्पल है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है वापस अभी हमने देखा था सी जो है एक क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक सब्सटेंस था वो ब्रेक होके अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स मिले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो एग्जाम्पल किसका हुआ ये डी रिएक्शन यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है नेक्स्ट इज डी रिएक्शन ऑफ आयरन सल्फेट अगर हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइ इसको हीट करने पे हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे थे और आयरन सल्फेट को हीट करने पे हमको तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एग्जाम्पल किसके हुए ये भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल क्योंकि हमने हीट यूज किया तो ये हुए थर्मल नेक्स्ट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी एक सब्सटेंस को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है अगर हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो किस में ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर बना किस से है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सो so ये वापस किस में ब्रेक होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग और ऑक्सीजन के अलग नेक्स्ट तरीका है हमारा लाइट से ब्रेक करना लाइट से किस किस को ब्रेक कर सकते हैं जैसे हीट से ब्रेक करने पे हम क्या बोल रहे थे थर्मल डीकॉम्पोजिशन अगर हम लाइट की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकॉम्पोजिशन फोटो मीन लाइट एंड डिकॉम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना अब इसके लिए हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट कर जाता है अगर उसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो फॉर्म करता है सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग तो हमें दो नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं सिल्वर एंड क्लोरीन सेम रिएक्शन होता है अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं उसमें भी क्या होता है सिल्वर और ब्रोमाइन दोनों ही अलग हो जाते हैं तो इन सब एग्जांपल्स में हमने देखा कैसे एक सब्सटेंस ब्रेक होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में किसके एग्जाम्पल्स हुए ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ कम्पोजिशन रिएक्शन एज यू ऑल माइट नो दैट मेटल्स हमेशा सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते जैसा हम उनको यूज करते हैं डायरेक्टली हमें वो नेचर में ऐसे नहीं मिलते हैं वो हमेशा कंबाइंड रहते हैं आइदर विद देयर ऑक्साइड्स ऑक्साइड के साथ जुड़े होते हैं या फिर किसी क्लोराइड के साथ तो उनको सेपरेट करने के लिए और मेटल को अलग लेने के लिए हम उसका क्या करते हैं डी रिएक्शन तो जो ऑक्साइड या क्लोराइड की स्टेट में मेटल्स थे उनको हम ब्रेक कर देते हैं एंड वट वी गेट इज अ तो हमने क्या क्या देखा एक तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एंड सेकेंड वन इज इन डाइजेशन ऑफ फूड नाउ वी विल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जो भी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है और उसकी प्लेस ले लेता है यहाँ पे ए को रिएक्ट कराया हमने बी सी के साथ तो ए ने इस बी को हटा के उसकी प्लेस ले ली एंड इट फॉर्मड ए सी और बी अलग हो गया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे हमने रिएक्शन कराया है आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो क्या करेगा ये कॉपर को हटा देगा और उसकी प्लेस लेके क्या बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर हमारा अलग हो गया नेक्स्ट रिएक्शन में Pb जो है लेड रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म लेड क्लोराइड Pb क्लोराइड एंड कॉपर यहां पे भी कॉपर को इस लेड ने डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया लेड क्लोराइड नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नीशियम ने जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस वो हाइड्रोजन अलग हुआ तो क्या बनाया उसने हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट example इज when सोडियम reacts विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2. Hydrogen हाइड्रोजन इसमें अलग कर ली और सोडियम ने मिलके क्या बनाया NaOH एच एंड एच टू सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले ली ऐसा ही इसका ही थोड़ा एडवांस बोल सकते हैं उसमें क्या होता है दो बार होगा यहाँ पे ये रिएक्शन सिर्फ एक बार हो रहा था कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स एक दूसरे को ही एक दूसरे के आयंस को पिछले लेक्चर में हमने जब बैलेंस करना सीखा था उसमें हमने आयंस देखे थे तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जब दोनों ही अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं सो लेट्स सी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है ए बी कंबाइंड थे सी डी थे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज किया और इसने क्या बनाया ए डी एंड बी सी दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी दो बार हो गया तो क्या हो गया इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड लेट्स सी क्या क्या था बेरियम यहाँ से मिला हमें बेरियम यहाँ से मिला सल्फेट एंड इट दे फॉर्म्ड बेरियम सल्फेट इसने क्लोरीन ने किसके साथ रिएक्ट किया कॉपर के साथ टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड नेक्स्ट इज वेन हाइड्रोजन सल्फाइड रियक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट इज सल्फ्योरिकोटेशम नाइट्रेट इन सब में ही हमने देखा कि आय एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लेट स्टार्ट ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एड होना या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना इसका ही सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है दिस इज पार्ट जो हमें टेंथ क्लास तक पढ़ना है क्या हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल आगे की क्लासेस में आप बाद में पढ़ोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे वहां हुआ है रिडक्शन लेकिन टेंथ क्लास के परस्पेक्टिव से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर एडिशन जब ये दोनों ही रिएक्शन साथ में हो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों ही साथ में होंगे तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के साथ एक साथ एक रिएक्शन में होने में हम उसको बोलते हैं वहां हुआ है रिएक्शन से समझते हैं कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड वॉटर इसमें हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में एंड एच टू चेंज हो रहा है एच टू ओ में क्लियरली इसमें ओ हटा तभी तो सी यू बना यानी ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है हमारा रिडक्शन तो यहां पे हुआ रिडक्शन और इस पार्ट में ऑक्सीजन ऐड हुआ सिर्फ एच टू था उसमें ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन अब कहा ऑक्सीडेशन हुआ है कहां रिडक्शन इसके बेसिस पे हमारे चार चीजें हम पढ़ते हैं एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूज दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम में बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं कुछ ना कुछ यहां पे मिस कर देते हैं कि एग्जैक्टली exactly सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन एजेंट है तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एकदम ध्यान से देखो इसलिए. इस देखोल में सीयू चेंज हुआ था सी में तो एक्चुअल में क्या दिख रहा है यहाँ पे रिडक्शन होता हुआ ये सब्सटेंस रिड्यूज होके क्या बन गया सीयू तो सब्सटेंस रिड्यूज कौन हुआ सीयू ओ वी कैन राइट सी यू ओ ये था हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन ये क्या बन गया वाटर ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तो ये हुआ हमारा सब्सटेंस इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये हुआ हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज अब इस रिडक्शन को कराने में किसने हेल्प की होगी इस H2 ने अगर ये H2 नहीं होता तो क्या ये इसका रिडक्शन हो पाता नहीं तो एजेंट कौन होता है जो कोई भी चीज कराए अगर इसकी वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन कराने में किसका हाथ है इस H2 का तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ H2 वेयर इज इट हेयर तो रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लिखेंगे जिसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब इसको ऑक्सीजन मिला किसकी वजह से मिला CuO की वजह से तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा हमारा CuO अगर आपको इजीली करना है तो सबसे पहले आप देखो कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है जो रिड्यूज हुआ वो हुआ सब्सटेंस रिड्यूज और ऑक्सीडाइज होने वाला हो गया हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज उसी का ऑपोजिट हो जाता है हमारा एजेंट के केस में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वही होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके बाद आई डोंट थिंक इस फार्टस आपको कोई भी गलती होने वाली है मेन बात हमें ये ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली कहाँ रिडक्शन हो रहा है और कहाँ ऑक्सीडेशन उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस कौन होगा और उसका ऑपोजिट हो जाता है एजेंट के केस में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वही होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रिड्यूज है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर नाउ अब लास्ट टॉपिक हमारा रहता है कि हम एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कहाँ पे देखते हैं सो लेट्स सी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का देखते हैं वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स आपने नोटिस किया होगा पुरानी साइकिल की चेन होती है उस पर जंक लग जाती है वो किसकी वजह से हो रहा है जो आयरन था वो ऑक्सीडाइज हो गया किसकी वजह से एटमोस्फेयर में जो भी मॉइस्चर या ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसकी वजह से आयरन उसके साथ रिएक्ट कर गया और उसने फॉर्म की रस्ट अगला एग्जाम्पल होता है फूड का रैनसिड होना रैंसिड मतलब खराब होना फूड में ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है जब वो ऑयल और फैट एटमोसफेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे फूड को रैंसिड बनाता है खराब कर देता है तो रैंसिडिटी भी एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का अब को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं फर्स्ट इज एंटी ऑक्सीडेंट एज अगेंस्ट और ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन रोके एंटी ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जो काम करें उनको हम बोलते हैं एंटी antioxidant. ऑक्सीडेंट तो एंटी ऑक्सीडेंट्स को फूड में ऐड किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो अगला होता है फूड के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को ऐड करना आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट उन सब में क्या ऐड किया जाता है नाइट्रोजन गैस ताकि वो फूड लंबे टाइम तक सेफ रहे अगला होता है फूड को रेफ्रिजरेट करना रेफ्रिजरेट करने से यानी ठंडा जब हो जाएगा तब भी उसकी ऑक्सीडेशन का जो रेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एंड एयर टाइट कंटेनर में रखने से एयर टाइट कंटेनर में रखने से ऑक्सीजन ही उस तक नहीं पहुंचेगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा या फिर बहुत लंबे टाइम तक हम फूड को प्रिजर्व कर पाएंगे और लास्ट है अवे फ्रॉम लाइट अगर हम फूड को लाइट से दूर रखते हैं तो भी हमारा ऑक्सीडेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है एंड वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर टाइम सो दिस वॉज आर चैप्टर वन ऑफ केमिस्ट्री एंड विद दिस आर चैप्टर कम्स टू एन एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हो आई विल ट्राई टू आंसर दैन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर वन जो है लाइट सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो बाय